धनतेरस से मान धनवंतरी और माता लक्ष्मी जी की पूजा होती है। क्या लाएं? सोना खरीद सकते हैं, चांदी खरीद सकते हैं, झाड़ू जरूर खरीदें। अब लोग समझते हैं धनतेरस के दिन क्या करना चाहिए, बोले धन बटोरना चाहिए, लोटा थरिया खरीदने चले जाते हैं, बाजार खूब लगती है, खूब बर्तन लोग खरीदते हैं। धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने का कोई महत्व तो नहीं है, ये तो मूर्खों की दुनिया, बड़ी जबरदस्त है महाराज, क्या समझा। साथियों, अनुराधाचार्य जी महाराज ने बताया कि इस दिन हमें लोटा खरीदना चाहिए और राघवाचार्य जी महाराज ने बताया कि ये तो एक मूर्खों की साधना है और अनुराधाचार्य जी ने बताया आगे कि हमें झाड़ू भी इस दिन खरीदनी चाहिए क्योंकि झाड़ू के अंदर लक्ष्मी जी का वास होता है। वैसे तो दोस्तों, यदि भगवान को मानता है तो वो जानता है कि भगवान का वास तो पूरी सृष्टि में है, हर एक मिट्टी के छोटे से कण के अंदर भी भगवान विराजमान है, तो एक झाड़ू लाकर कोई अलग कोई कार्य नहीं कर लेंगे। लेकिन साथियों, जब तक हमारे पास सद्भक्ति नहीं होगी, शास्त्र अनुकूल साधना नहीं होगी, तो इससे भी लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि कण कण में भगवान होने से उनका में वास्तविक जो लाभ है वो मिलने वाला नहीं है। दोस्तों, कुछ कथाओं के अनुसार अपने बात करें धन्वंतरी जी महाराज की, तो धन्वंतरी जी महाराज के बारे में बताया जाता है कि ये विष्णु जी के अवतार थे और उनके दो दिन के बाद माता लक्ष्मी का जन्म हुआ। और अनुराधाचार्य जी महाराज ने बताया कि हमें इनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। दोस्तों, ये बात सही है कि हमें इनकी पूजा करने से ही सुख समृद्धि प्राप्त होगी। जैसे भगवान विष्णु जी का कोई विशेष मंत्र है, वो तत्वदर्शी संत ही बता सकता है, उसकी शरण में जाने के बाद हमारा मोक्ष होगा। तो दोस्तों, उस मंत्र के बगैर यदि हम धन्वंतरी जी महाराज और माता लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारत का गरीबी रेखा के अंदर, सूचकांक के अंदर कौन सा स्थान है, हमेशा से ही हर साल वो स्थान नीचे खिसकता जा रहा है। लेकिन दोस्तों, जब तक हमारे पास सद्भक्ति और मेहनत नहीं करेंगे तो हमारी गरीबी दूर नहीं होगी। यदि हम लक्ष्मी पूजन करेंगे उससे भी कोई लाभ नहीं होगा। हमें पूर्ण संत को खोज कर उनकी शरण में जाना चाहिए और शास्त्र अनुकूल साधना करके हमें मोक्ष प्राप्त करना चाहिए।